हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स जो कि हर एक KTM का ओनर फेस करता है। तो गाइस, फर्स्ट प्रॉब्लम है KTM बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे कि NS200 और Duke 200 में दोनों में सेम इंजन आता है जो कि 200 cc का है, बट ऑफकोर्स विद डिफरेंट ट्यूनिंग। बट NS200 के एक्स शोरूम न्यू दिल्ली प्राइस है 1,37,000 और KTM Duke 200 के एक्स शोरूम न्यू दिल्ली प्राइस है 1,80,000। सो सी हाउ मच यू गेट द प्राइस डिफरेंस अमंग द टू बाइक्स ऑफ द सेम सेगमेंट। सेकेंड प्रॉब्लम जो कि हर KTM ओनर फेस करता है कि उसको अपने बाइक में से माइलेज कम मिलती है, जो कि KTM के हर एक सेगमेंट में होता है। इसलिए KTM उन्हीं को ख़रीदना चाहिए जो कि उसके आफ्टर सेल्स सर्विसेज को खर्चा उठा सके। सो इसीलिए आपको KTM लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि आप उसका आफ्टर एक्सपेंसेस का खर्चा उठा पाएंगे या फिर नहीं। थर्ड प्रॉब्लम जो कि हर एक KTM ओनर फेस करता है कि KTM के पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि KTM के पार्ट्स बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं जितने भी बाइक्स हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि KTM अपने प्लास्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है जो कि अच्छे बहुत। इसलिए एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट KTM ओनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स पार्ट टूटते हैं जब भी एक्सीडेंट होता है, जिसके वजह से उनके पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। KTM की इनिशियल पिकअप बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से उसको अपने सेगमेंट में कोई भी बीट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल डोमिनर 400 और Duke 390 ही ले लो, जिसमें कि डोमिनर 400 उसको टॉप एंड में भले ही बीट कर दे, लेकिन इनिशियल में Duke 390 आगे निकल जाती है, क्योंकि उसका इंजन कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसके वाल्व्स बहुत तेज़ली ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसके वजह से उसको ज़्यादा पावर मिलता है इनिशियली। बट लेटर ऑन जो कि टॉप एंड में होता है उसका पावर कम हो जाता है, और बाकी बाइक जिसमें अच्छा ट्यूनिंग होता है उसको पार कर जाते हैं। KTM के इंजन्स बहुत ज़्यादा हीट होते हैं बिकॉज ऑफ द हायर कंप्रेशन रेशियो। KTM के बाइक्स आपके लेग को बहुत हीट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ व्हिच इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू नॉट राइड ए KTM और एनी बाइक विथ शॉर्ट्स एंड सो गाइस, क्या मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि आपको KTM की बाइक्स कंसिडर नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं बस ये बता रहा हूँ कि KTM के ओनर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इफ़ यू कैन ओवरकम इट, देन यू कैन श्योरली गो विद इन KTM, एंड KTM इज़ एन अमेजिंग ब्रांड। एंड यस, KTM सीरीज़ में जो कि है RC सीरीज़ में रियर सीटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। मेरे कज़न के पास KTM RC 200 है, सो यू नो आई कैन फील इट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो श्योरली आपको पसंद आ ही गया होगा।